राजस्थान में भाजपा ने 6 सीटों पर अपने नामों का ऐलान कर दिया है और 84 सीट जिस पर अभी भी भाजपा के ऐलान बाकी है, यहाँ पर कैंडिडेट भाजपा ने अभी भी नहीं उतारा है, क्योंकि भाजपा यहाँ पर मंथन कर रही है कि किस व्यक्ति को टिकट दें और उसे किस तरह से टिकट दें कि वह धरातल पर जाकर स्थितियों को पहले देखा हो या फिर उस तरह की स्थितियों को उसने समझा हो। इस कारण पार्टी अभी भी उस सीट पर मंथन कर रही है, जिस तरह से 84 सीट जिस पर पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें यहां पर खड़ी हुई हो चुकी है, क्योंकि 2013 का चुनाव था उसमें बीजेपी अंतिम चुनाव जीती थी, उसके बाद 2018 का चुनाव हो या फिर 23 का चुनाव हो, वहां चुनाव भाजपा नहीं जीत पाई थी। इस कारण जो भाजपा के नेता हैं मंथन में जुटे हुए हैं। हालांकि वहां पर जो भारत आदिवासी पार्टी है उसने अपने जो कैंडिडेट है उसका नाम का ऐलान किया है और वहां भी उसका विरोध देखने को मिल रहा है। उसके बाद भाजपा और मंथन कर रही है कि अगर उनमें गुटबाजी देखने को मिलती है या फिर उनमें जो स्थितियाँ देखने को मिलती है तो साफ तौर पर भाजपा को फायदा हो सकता है। इस कारण भाजपा ने वहाँ पर अभी भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। जो पहले कैंडिडेट रहे थे, जो 2013 के चुनाव होते उसमें विधायक का चुनाव लड़े थे सुशील कटारा, और जो 23 में और जो 18 में भी चुनाव लड़ चुके हैं उनके नामों को लेकर चर्चा थी, लेकिन पार्टी इस बार नया चेहरा वहाँ पर लाना चाहती है। इस कारण पार्टी ने सुशील कटारा को एक जिम्मेदारी दे दी कि वह राजस्थान में जो चुनाव अधिकारी सह अधिकारी के रूप में काम करेंगे। ऐसे 4 जो नाम थे जो प्रदेश के जो चुनाव अधिकारी हैं उसमें बनाए गए थे और जो सुशील कटारा है उन्हें चुनाव सह अधिकारी के रूप में बना दिया गया है, जिससे कि वह जो प्रदेश में जो 7 सीटों पर चुनाव है वहाँ की स्थितियों को देखेंगे, वहाँ की एक चुनाव की रणनीति के रूप में काम करने वाले हैं। इससे तो पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार कोई नया कैंडिडेट है वह 84 में देखने को मिलेगा, इस कारण उन्हें जो चुनाव सह अधिकारी बना दिया है। और अब पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जो पहले पार्टी में काम कर रहा हो और जो किसी पद पर रहा हो, किसी तरह से चुनाव लड़ा हो या फिर लोगों के बीच में रहा हो, जिससे कि पार्टी उन्हें साध सके और चुनाव को उस तरह मोड़ में ला सके कि कहीं के जीत की तरफ आगे बढ़ सके। इस कारण पार्टी पूरी तरह से रणनीति बना रही है और सुशील कटारा जी ने एक जिम्मेदारी दे दी और अब नए चेहरे की तलाश में है। बताया जा रहा है कि जल्द 84 सीट पर भी भाजपा अपने नाम का ऐलान कर देगी, क्योंकि 6 सीटें जिस पर भाजपा नामों का ऐलान कर चुकी है और सिर्फ एक सीट बची है 84 जिस पर भाजपा के कैंडिडेट का नाम का ऐलान करना बाकी है। वहीं अब भाजपा मंथन के साथ आज या कल में जो सूची है 84 पर जारी कर सकती है और जो स्थितियां भाजपा है उस भापने में लगी हुई। एक तरफ जैसे ही भारत आदिवासी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया उसके बाद वहां पर भी हल्का हल्का विरोध है, जो गुटबाजी है वह देखने को मिली, जो आपसी फूट है वह देखने को मिली, तो उस फूट का फायदा किस तरह से भाजपा उठा सके, इस कारण भाजपा ने टिकट में देरी की है 84 में और हो सकता है उसमें उस तरह से कैंडिडेट को लाए जो कि राजकुमार रोत के जो पार्टी हैं भारत आदिवासी पार्टी उसको मात दे सके। TV9 के लिए राजेश डांगी।